हेलो फ्रेंड्स, हमारे ट्रिकी एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे साल के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में एक ट्रिक के साथ, जिससे आप साल के सभी दिवस एक आसान तरीके से याद रख पाएंगे और कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं दिवस के। तो इसमें सबसे पहले है प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस 9 जनवरी। तो आप सभी जानते हैं भारत हमारा हिंदुओं का देश है और हिंदू लोग उपवास में अधिक विश्वास रखते हैं। तो प्रवासी, प्रवासी को याद रखते हैं, प्रवास, प्रवास याद रखता है उपवास। दिवस 9 जनवरी, 9 नवरात्रे, नवरात्रों के व्रत रखते हैं भारत के लोग। तो 9 जनवरी मतलब 9 जनवरी से हो जाएगा 9 उपवास, नवरात्रों के उपवास रखते हैं तो 9 उपवास। जनवरी जने जनता, भारत की जनता नवरात्रों के उपवास रखती है 9 दिन के लिए। तो इसे प्रवासी दिवस 9 जनवरी, प्रवास से उपवास याद रखेंगे हम। और 9 जनवरी से भारत की जनता 9 नवरात्रों के उपवास रखती है। तो इससे हमारा याद रह जाएगा प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। फिर है युवा दिवस 12 जनवरी। तो हम जानते हैं कि गांव में शहर में एक दो युवा जन युवा मिल ही जाते हैं। जन मतलब आदमी, एक दो जन मिल ही जाते हैं। तो इससे हो जाएगा युवा दिवस 12 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी। इससे ट्रिक से याद रह जाए, एक दो युवा खेल कूद में मतलब आगे मिल जाते हैं हर गांव में हर शहर में। तो एक दो जन जनता हो गया, एक दो जन मान लेते हैं हम, और एक दो जन से हो गया जनवरी, एक दो से 12, तो युवा दिवस 12 जनवरी। उसके बाद है थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो हम जानते हैं सेना का जो जीवन है वो बीच में रहता है, मतलब उनके जीने की मरने की कोई खबर नहीं होती। वो शहीदी के मार्ग पर खड़े होते हैं, वो कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है, उनको अपने जीवन की कोई परवाह नहीं होती, मतलब उनका जीवन बीच में रहता है। जो भारत की सेना है, सेना मतलब जो जनता के जवान होते हैं, जवान, जवान से जनवरी, और सेना का जीवन बीच में रहता है। और 15 तारीख कब आती है, बीच में आती है महीने के, तो 15 जनवरी को हो जाएगा थल सेना दिवस। सेना का जीवन बीच में ही रहता है, सेना के जो जवान है उनका जीवन बीच में ही रहता है, इसलिए हो जाएगा 15 जनवरी, जवान से जनवरी हो जाएगा और 15 बीच में, मतलब 15 बीच में आता है 15 जनवरी। उसके बाद है पर्यटन दिवस 25 जनवरी। उसके बाद है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो हम सबको पता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये हम सबको ही पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से पढ़ना शुरू किया हमने। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, उससे पहले एक दिन 25 जनवरी को पर्यटन दिवस। तो गणतंत्र दिवस को देखने के लिए लोग आ जाते हैं, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आ जाते हैं, 26 जनवरी को देखने के लिए आ जाते हैं, वो आ जाते हैं एक दिन पहले आ जाते हैं 25 जनवरी। तो इससे हम याद रखेंगे 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस को देखने के लिए 25 जनवरी को ही लोग आ जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटन दिवस हो जाएगा इसीलिए 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 26 जनवरी को देखने के लिए 25 जनवरी को ही लोग घूमने के लिए आ जाते हैं, और फिर 26 जनवरी को आराम से गणतंत्र दिवस देखते हैं। तो गणतंत्र दिवस हो जाएगा 26 जनवरी। उसके बाद है सर्वोदय दिवस 30 जनवरी और शहीदी दिवस भी 30 जनवरी। इसके लिए हम याद रखेंगे शहीदी दिवस 30 जनवरी। तो भारत के जो सेना के शहीद, तो उसमें हम मान लेते हैं भारत का किसी के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है और उसमें हमारे 30 जवान शहीद होकर फिर सूर्योदय हुआ, 30 जवान शहीद होने के बाद हमें जीत मिली। तो 30 जनवरी, 30 जवान, जवान से जनवरी हो जाएगा, 30 जवान शहीद होने के बाद हमें जीत मिली, हमारा सूर्योदय हुआ। सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी, शहीदी दिवस भी 30 जनवरी, दोनों इंपोर्टेंट है, शहीदी दिवस ज्यादा इंपोर्टेंट है। शहीदी दिवस 30 जनवरी मतलब 30 जवान शहीद होने के बाद हमें जीत मिली जब हमारा सूर्योदय हुआ। तो इससे सूर्योदय भी 30 जनवरी को हो जाएगा और शहीदी दिवस भी 30 जनवरी को हो जाएगा। ये याद रखने की हमारा आसान ट्रिक है। उसके बाद आते हैं विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। तो हम देखते हैं घर में हम लगभग 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य में से यदि एक के कैंसर हो जाए, उसके बाद फिर बाद 4 व्यक्तियों का जीवन कटना मुश्किल हो जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, मतलब घर में 5 सदस्य होते हैं, मान लेते हैं नॉर्मली 5 सदस्य होते हैं घर में, अगर एक को कैंसर हो जाए फिर फरवरी, और उसके बाद बचे हुए 4 सदस्यों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण 4 फरवरी हो जाएगा, 4 जनों का जीना मुश्किल हो जाता है। फिर कब, जब एक को कैंसर हो जाए फिर,
तो इसे विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी। उसके बाद आता है गुलाब दिवस, गुलाब दिवस 12 फरवरी। तो हम गुलाब दिवस को लड़के क्या है गुलाब देते हैं लड़कियों को, तो उसमें देख लेते हैं पहले एक लड़की गुलाब देंगे फिर दूसरी को देखेंगे, पहले एक को देंगे फिर दूसरी को, पहले एक फिर दो, तो मतलब 12 हो गया, एक और दो फिर से फरवरी। तो इससे हो जाएगा पहले एक लड़की को गुलाब देंगे फिर बाद में दूसरी को देखेंगे, इससे हो जाएगा दूसरी का दो, इससे हो जाएगा गुलाब दिवस 12 फरवरी। फिर से फरवरी, पहले एक फिर दो, 12 हो गया, उससे बाद फिर बाद में दूसरी को देखेंगे, तो इसका मतलब फिर से फरवरी, तो गुलाब दिवस हो जाएगा 12 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को, तो वैलेंटाइन दिवस के दिन क्या होता है लड़के लड़की को प्रपोज करते हैं, तो एक की चार बातें बढ़ाकर कहते हैं, एक बात की चार बातें कहते हैं इम्प्रेस करने के लिए लड़की को, फिर लड़की इम्प्रेस होती है, फिर से फरवरी, 1 4 से 14, तो वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को हो जाएगा। एक बात की चार बातें कहते हैं फिर लड़की इम्प्रेस होती है, तो 1 4 फरवरी 14 फरवरी। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। तो पहले हम सबको पता है भाषा एक थी संस्कृत शुरू में, उसके बाद एक की 21 हो गई, अब तो बहुत भाषा हो चुकी है, तो एक की 21 हो गई, पहले एक थी फिर से हम फरवरी मान रहे हैं, फिर 21 हो गई, एक से 21 हो गई, तो 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद में है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। हम सबको पता है फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, लगभग 28 दिन होते हैं, और सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, तो विज्ञान ने सर्च किया कि फरवरी में केवल 28 दिन होंगे, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, सिर्फ फरवरी में 28 दिन होते हैं, इस कारण विज्ञान ने सर्च किया है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। फिर आते हैं मार्च में, मार्च में सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च? तो हमको पता ही है जो हमारे भारत के नेता है वो मोर्चा निकालने के समय अपने सुरक्षा बल साथ रखते हैं, मतलब 4 सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रखते हैं मोर्चा से हो जाएगा मार्च, 4 सुरक्षा बॉडीगार्ड मतलब सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड साथ रखते हैं, हो गया तो 4 मार्च, तो सुरक्षा के लिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। मार्च से माँ मान लेते हैं, महिला माँ, माँ सुबह 8 बजे चर्च में गई, हमारे हिंदू तो मंदिर में जाते हैं, तो इसकी मेट्रिक के लिए हमें चर्च मान लेते हैं मार्च, चर्च, माँ 8 बजे सुबह चर्च में गई, तो इसी हमारा ट्रिक भी बन जाएगी, माँ चर्च में गई, माँ चर्च मतलब मार्च, सुबह कितने बजे गई, सुबह 8 बजे गई, तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, महिला के लिए माँ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार का कानून मतलब 10 रुपए की कुछ चीज, मतलब माचिस मान लेते हैं, माचिस को 15 रुपए में बेच रहा था, इसके लिए अधिकार का कानून शुरू हुआ, 10 रुपए की चीज 15 में बेच रहा था, 10 रुपए की क्या बेच रहा था, माचिस से मार्च, और 10 रुपए की थी वो 15 में बेच रहा था 15 मार्च, इससे अधिकार को उल्लंघन हो रहा था, इसके अधिकार को शुरू करने के लिए अधिकार शुरू हुआ, इसका नाम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, कितने बेच रहा था 15, क्या बेच रहा माचिस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। फिर आता है विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व के लोग जैसे T20 मैच शुरू होते हैं लोग खुश हो जाते हैं देखने के लिए, तो T20 मैच मार्च, मैच को मार्च मान रहे हैं, T20 को 20, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, और लोग क्या हो जाते हैं खुश हो जाते हैं, इसलिए खुशहाली दिवस है, कब होगा T20 मैच शुरू हो गए तो 20 मार्च मैच का मार्च हो गया, तो विश्व खुशहाली दिवस कब हो गया 20 मार्च। फिर है विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। जल की 2-2 बूंद मरते आदमी को बचा सकती है, जल है तो जीवन आपको पता ही है, जल की 2-2 बूंद मरते आदमी को बचा सकती है, मरते आदमी को बचा सकती है मतलब मार्च, मरते आदमी को मतलब मरते मार्च, मार्च मरना मार्च, मार्च हो गया इसका मरते आदमी को मार्च माने 2-2 बूंद 2-2 22, तो इससे क्या होगा विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, 2-2 बूंद बचाएंगे हमें 2-2 22 और मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। फिर है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, मतलब इनका शहीदी दिवस मानते हैं इनका 23 मार्च, तो इसको मान लेते हैं भारत के 2-3 शहीदों ने मरते वक्त तक देश के लिए लड़े थे, तो ये शहीद है, ये मरते वक्त देश के लिए आजादी के लिए लड़ते रहे थे, 2-3 मतलब 23 और मरते वक्त तक मार्च, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी 23 मार्च, ये वैसे सबको पता भी है। और फिर
और फिर इसके बाद आता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी 23 मार्च को होता है। तो जैसे ही सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी, भारत का मौसम खराब हो गया था, मतलब जनता के दिल में वो हो गया था, उनका मौसम खराब हो गया था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, ये मान लेते हैं। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी देते ही देश में खलबली मच गई, इसका मौसम खराब हो गया। 23 मार्च को इनको मौसम खराब हो गया था। फिर है विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो हम मान लेते हैं विश्व के हर शहर में 2-4 लोग टीबी से मरने वाले मिल जाते हैं। विश्व में हर शहर में दो चार कह देते हैं ना, 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं। तो 2-4 लोग मरने को मार्च मान रहे हैं, पीछे भी बहुत जगह माना है हमने, 2-4 लोग टीबी के कारण मर जाते हैं। तो विश्व टीबी दिवस क्या हो जाएगा, 2-4 को 24 मान लेंगे और मरना मार्च, तो टीबी दिवस 24 मार्च। इसके बाद है ग्रामीण डाक बीमा दिवस। तो हमको पता है लोग बीमा करवाते हैं, बीमा क्यों करवाते हैं भाई, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो उसके बाद घरवालों को 2-4 लाख रुपए मिल जाए, 2-4 लाख रुपए मिल जाए। तो क्या हो गया फिर इसका, कोई ना हो जाए मर जाए, क्या हो गया, बीमा इसलिए करवाते हैं कि हमारे मरने के बाद घरवालों को 2-4 लाख रुपए मिल जाए। तो मरने को मार्च मान रहे हैं, मरने के बाद 2-4 लाख रुपए मिल, 2-4 मतलब 24। ग्रामीण डाक बीमा दिवस 24 मार्च, मरने को मार्च 2-4 लाख रुपए मिल जाए, तो हो गया 24 मार्च। फिर विश्व थिएटर दिवस 30 मार्च। तो पता है लास्ट की सीट से हम देखेंगे तो मूवी अच्छी दिखेगी या शुरू में से, कई लोगों को क्या होता है पीछे बैठने का इंटरेस्ट होता है, किसी को आगे, तो इसके लिए मान लेते हैं शुरू की 30 सीट से हमें मंच जो अच्छा दिखेगा, मंच मार्च अच्छा दिखेगा। तो शुरू की 30 सीट, 30 या किसी को लास्ट की मान सकते हैं, लास्ट की 30 सीट 30 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। शुरू की 30 सीट से मंच अच्छा दिखेगा, तो इसका हो जाएगा विश्व थिएटर दिवस 30 मार्च। इसी के साथ मार्च के भी दिवस खत्म होते हैं, हम अब चलते हैं अप्रैल के लिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, इसका हो जाएगा व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसके अंतिम पल तक साथ देता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य दिवस, उसके अंतिम पल, अंतिम पल, पल पल से देखो अप्रैल और पल, मतलब इसमें एक साइन बोर्ड आ रही है, तो पल अप्रैल अंतिम पल तक साथ देता है। सात से हम सात मान लेंगे, सात, सात से सात, तो हो जाएगा सात से सात, पल से अप्रैल, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य दिवस, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसके अंतिम पल तक साथ देता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा व्यक्ति का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा अंतिम पल से अप्रैल वो साथ देता है, इसे हम साथ मान लेंगे, साथ साथ, इसे हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके अंतिम पल तक साथ देता है। तो इसकी हो जाएगी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। उसके बाद है अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, तो हो जाएगा अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल का हो जाएगा। अम्बेडकर जी ने गरीबों का अंतिम पल तक साथ दिया, ना कि एक बात की चार बात की। तो हम अंतिम पल को मान रहे हैं अप्रैल, तो अंतिम पल तक गरीबों की मदद की, तो अंतिम पल से अप्रैल हो जाएगा। मदद की, दिल से मदद की, ना कि एक बात की चार बात की। अम्बेडकर जी ने गरीबों की अंतिम पल तक मदद की, ना कि एक बात की चार बात की। हम सबको पता है अम्बेडकर जी गरीबों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने, तो उन्होंने एक बात की चार बात नहीं की, अंतिम पल तक साथ दिया। एक बात की चार बात से हो जाएगा 1-4-14 और अंतिम पल से अप्रैल, 1-4 की बात नहीं की, दिल से साथ दिया अंतिम पल तक, तो 14 अप्रैल अंबेडकर जी ने गरीबों का अंतिम पल तक साथ दिया, ना कि एक बात की चार बात की। उसके बाद है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल पृथ्वी के किसी भी पल दो दो टुकड़े नहीं हो सकते, तो इससे हो जाएगा पृथ्वी के किसी भी पल, पल से अप्रैल, दो 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 22, दो दो टुकड़े नहीं हो सकते। सबको पता है पृथ्वी कभी दो टुकड़े नहीं हो सकते, तो यह एक ऐसा ट्रिक बन जाती है हमारी याद रखने के लिए, पृथ्वी के किसी पल दो दो टुकड़े नहीं हो सकते। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, दो दो से हो जाएगा 22, पल पल से अप्रैल, किसी भी पल, पल से अप्रैल, दो दो से 22, पृथ्वी के किसी पल दो दो टुकड़े नहीं हो सकते, इसे हमारे ध्यान में रह जाएगा। दो दो से 22, पल से अप्रैल, पृथ्वी के कभी दो टुकड़े नहीं हो सकते, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी के किसी भी पल दो दो टुकड़े नहीं हो सकते। उसके बाद है विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। तो हम सबको पता है हम आज के समय कोई भी काम करते हैं तो हमें एक श्रमिक की आवश्यकता होती है, एक श्रमिक की हमें आवश्यकता होती होती है। तो एक श्रमिक, श्रमिक से मान लेते हैं मई, एक श्रमिक की आवश्यकता होती है और विश्व श्रमिक दिवस है मई, श्रमिक और मई एक से इसमें वो हो रही है, श्रमिक और मई से मई हो जाएगा हमारा,
और एक एक क्या अवस्थित होती है, 1 मई हो जाएगा विश्व श्रमिक दिवस। 1 मई श्रमिक और मई में एक सी आवाज आ रही है, इसी कारण हम मान लेते हैं विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। हर काम को करने के लिए एक श्रमिक की आवश्यकता होती है, इसे मैं ध्यान में रहेगा विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, ये इसको ट्रिक हो जाएगी जिससे हमारे ध्यान में रह जाएगा विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। उसके बाद में आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। इसके लिए है रेड लाइट देखे बिना रोड क्रॉस करने से 8 लोगों की मौत हो गई। तो अब देखिए रेड लाइट हम बिना क्रॉस करे देखेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, और लगभग गाड़ी में कितने लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, तो एक्सीडेंट होने से 8 लोगों की मौत हो गई बिना रेड लाइट देखे रोड क्रॉस करने से गाड़ी में बैठे 8 लोगों की मौत हो गई। तो इससे हमें याद रखना पड़ेगा विश्व रेड क्रॉस, रेड क्रॉस मतलब रेड लाइट, 8 लोगों की मौत होगी 8 मई, मई मौत से मई मान लेते हैं, मरना मई, तो इससे हो जाएगा रेड लाइट देखे बिना रोड क्रॉस करने से 8 लोगों की मौत हो गई। तो रोड क्रॉस करने से रेड क्रॉस और 8 लोगों की मौत हो गई, मई से 8 मौत हो जाएगा 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। तो हमें पता है प्रौद्योगिकी मतलब मशीनों के काम से, तो जिस तरह मशीनों का विकास हो रहा है उसके कारण एक एक मजदूर मरते जा रहे हैं, हम मई को मान रहे हैं मरना, हम लगभग मई को मरना ही मान रहे हैं। तो जैसे जैसे मशीनों का विकास हो रहा है वैसे वैसे मजदूरों का क्या हो रहा है, काम ठप हो रहा है, मतलब मर ही रहे हैं। प्रौद्योगिकी का अधिक विकास होने के कारण एक 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 से 11 हो जाएगा, एक एक मजदूर मरते जा रहे हैं मतलब मई। प्रौद्योगिकी दिवस से क्या होगा, मशीनों का विकास हो रहा है तो एक एक मजदूर मर रहे हैं, एक एक 11 हो जाएगा, मरने से मई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। उसके बाद आता है विश्व परिवार दिवस 15 मई। तो परिवार क्या होता है, परिवार होता है वो घर में होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, घर में सफाई रखनी चाहिए, तो हर 15वें दिन सफाई कर देनी चाहिए, 15वें दिन सफाई, सफाई से हम मई मान लेते हैं, सफाई मई, या ये हमको याद रखना पड़ेगा विश्व परिवार दिवस 15 मई। हर 15वें दिन परिवार में घर की सफाई कर देनी चाहिए, सफाई रखने से सब कुछ अच्छा होता है सबको पता है। तो विश्व परिवार दिवस 15 मई हो जाएगा, 15वें दिन सफाई करनी चाहिए, इससे हमारे ध्यान में रह जाएगा विश्व परिवार दिवस। परिवार दिवस क्या होता है, घर में होता है, घर की सफाई कर देनी चाहिए, कब कर देनी चाहिए, 15वें दिन कर देनी चाहिए, विश्व परिवार दिवस हो जाएगा 15 मई, 15वें दिन सफाई मई, इसमें एक आवाज आ रही है मई सफाई, तो विश्व परिवार दिवस हो जाएगा 15 मई। उसके बाद है आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। तो आजकल आतंकवाद काफी हद तक बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए मंत्री भी बस दावे करते हैं, काम कम ही हो रहे हैं, मतलब लगभग 100 में से 1 या 2 मंत्री लड़ने वाले मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा आतंकवाद के विरुद्ध 2 या 1 मंत्री ही लड़ने वाले मिलते हैं, मतलब मर मिटने वाले मिलते हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। तो मरने को मान रहे हैं मई और 2-1 मंत्री, 2-1 21 हो जाएगा, 2-1 मंत्री मर मिटने वाले मिलते हैं 2-1 मई, आतंकवाद के खिलाफ 2-1 मंत्री लड़कर मर मिटने वाले मिलते हैं। तो 21-2-1 से हो जाएगा 21 और मंत्री लड़कर मर मिटने वाले मिलते हैं, इससे हो जाएगा मई, मरना मई मान रहे हैं, ऊपर भी माना हमने, तो इससे हो जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, आतंकवाद के विरोध 2 या 1 मंत्री ही लड़ने वाले मिलते हैं, 21 मई हो जाएगा, इससे 2-1 से 21 और मरने वाले से मई, आतंकवाद के विरुद्ध 2 या 1 मंत्री लड़ने वाले मिलते हैं, तो 21 मई हो जाएगा इसका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले की दोनों तरफ से मरने की संभावना होती है, कोई तो चढ़ जाए तो भी मरने की संभावना है, चढ़ रहा है तो, और नीचे से चढ़ना शुरू करते तो भी मरने की संभावना है, मतलब उसकी दोनों तरफ से मरने की संभावना है। तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले की दोनों ओर से मरने की संभावना होती है, दोनों ओर से 29 हो जाएगा, 29 दोनों और से मरने की संभावना, मरने को मई मान रहे हैं हम, तो दोनों ओर से मरने की संभावना मई हो गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने ऊंचाई इतनी होने के कारण मरने की संभावना है, तो इसलिए हमें मान लिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले की दोनों ओर से मरने की संभावना है, तो इससे हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट 29 मई को, दोनों ओर से मरने की संभावना है, मरने को मई मान रहे हैं दोनों ओर से, दोनों से हो जाएगा 29, इससे हो जाएगा माउंट एवरेस्ट 29 मई, हाँ तो माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। उसके बाद में अच्छा विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। तुम देख रहे हैं आजकल तंबाकू के कारण 3 में से 1 आदमी मर रहे हैं, 3 में से 1 आदमी मर रहा है, 3 में से 3 आदमी तंबाकू यूज कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 1 आदमी तो इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि वो उसके कारण मर ही जाता है, तंबाकू के कारण 3 में से 1 आदमी मर रहे हैं, 3 में से 1, 3 1
31 मर रहे हैं मई, क्या मर रहे हैं, मर रहे को मई। तो जो विश्व तम्बाकू विरोधी दिवस 31 मई, विश्व तम्बाकू दिवस 31 मई, इसके हो जाएगी मतलब तम्बाकू के कारण तीन में से एक मतलब 31 मर रहे हैं मई, 3 में से 1 मर रहे हैं मई हो जाएगा, तम्बाकू के कारण 3 में से 1 आदमी मर रहा है, तो इसी हो जाएगा विश्व तम्बाकू दिवस 31 मई। उसके बाद चलते हैं हम जून में। इससे पहले आप हमारे ट्रिक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसमें ऐसी ऐसी ट्रिक की बहुत सी वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिससे आपको फायदा होगा। तो इस चलते हैं जून में, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो पता है गर्मी के दिनों, जून गर्मी का महीना है, गर्मी के दिनों हर पौधे में 5 लीटर पानी डालना चाहिए। एक मतलब जिसे डालते हैं बाल्टी से डालते हैं किसी से डालते हैं, 5 लीटर पानी डालना चाहिए गर्मी के दिनों में, हर पौधे में 5 लीटर पानी डालना चाहिए। तो 5 जून गर्मी का महीना, जून गर्मी के महीने में, और 5 लीटर से 5 हो जाएगा। पर्यावरण, पर्यावरण मतलब पौधों से होता है, इस कारण हर पौधे में गर्मी के दिनों में 5 लीटर पानी डालना चाहिए। इसे हो जाएगा 5 लीटर से 5 गर्मी के महीने में जून, और पर्यावरण के कारण पौधों में हो जाएगा, पौधों से पर्यावरण बनता हमारा, तो इससे हो जाएगा गर्मी के दिनों में हर पौधे में 5 लीटर पानी डालना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हो जाएगा। उसके बाद में आता है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। इससे हमें याद रखना पड़ेगा गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में 2 हफ्ते तक ब्लड कैंप लगा, गर्मियों की छुट्टियां होती है, छुट्टियों में ब्लड कैंप लगाया। तो ब्लड कैंप कितने दिनों लगाया, 2 हफ्ते तक लगाया, 2 हफ्ते मतलब 2 वीक, 2 सप्ताह तक कैंप लगाया। 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, गर्मियों में लगाया, गर्मियों छुट्टियों में, छुट्टियां कब होती है गर्मियों की, जून में होती है, उस कारण इसका हो जाएगा जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, 14 जून को लगाया, 14 जून को मनाया जाता है। तो क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टियां हुई, छुट्टियों में 14 दिन तक, 2 वीक तक, सप्ताह तक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया छुट्टियों में। कब लगाया, गर्मियों में लगाया, जून हो गया, और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। 2 हफ्तों तक लगाया, 14 दिन तक लगाया, तो विश्व 14 जून को हो जाएगा विश्व रक्तदान दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। गर्मियों के दिनों में 2 दिन में से 1 दिन योग करना चाहिए, वैसे सर्दियों में तो योग करना ही करना चाहिए, गर्मियों में गर्मी का मौसम होता है ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसके कारण 2 दिन में से 1 दिन योग जरूर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2 में से 1 दिन, 2 में से 1 हो गया, 2 1 21 जून, और गर्मियों के दिनों में इससे जून हो जाता है, 2 दिन में से 1 दिन करेंगे 21 हो गया। तो गर्मियों के दिनों में 2 दिन में से 1 दिन योग करना चाहिए, ज्यादा गर्मी के कारण ज्यादा योग नहीं करना चाहिए, इस कारण 2 में से 1 21 गर्मियों में, इस कारण जून है, जून को गर्मी का महीना मान रहे हैं हम, ऊपर भी दो किसनों में माना है, इस कारण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हो जाएगा। गर्मियों में 2 में से 1 दिन योग करना चाहिए, 2 में से 1, 21 जून का महीना गर्मी का होता है, इसलिए गर्मियों में इसको जून, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। उसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई। तो इसमें मान लेते जीएसटी कब लागू हुआ है, 1 जुलाई को हुआ है, अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों ने अक्रोश में एक भारतीय स्टेट बैंक को जला दिया, जला दिया को मान ले जुलाई, जला देना जुलाई, जल जुलाई। तो जीएसटी लागू होने के कारण उथल पुथल मच गई, उसके कारण एक भारतीय स्टेट बैंक को जला दिया, 1 जुलाई जला दिया, 1 जुलाई। तो इससे आसान ट्रिक होगी हमारी याद करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई। जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों ने अक्रोश में एक बैंक को जला दिया, 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुई थी, उस कारण जला दिया, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को हो जाएगा। उसके बाद आता है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व की जनसंख्या क्या है, आज की टाइम में विश्व की जनसंख्या एक एक करके पेड़ों को जला रही है, पेड़ों को जला रही है एक एक करके, जलाना से जुलाई मान रहे हैं, विश्व की जनसंख्या एक एक करके पेड़ों को जला रही है, तो एक एक करके एक एक 11 जुलाई जला रही है, पेड़ों को जला रही है, तो विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा 11 जुलाई, एक एक करके पेड़ों को जला रही है, इसके एक एक से 11 हो जाएगा, जला रही से जुलाई। उसके बाद आता है कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। तो 26 जुलाई इसके लिए मान लेते हैं, 26 साल के आदमी में मतलब गर्म खून होता है, जवानी आई होती होती है, और कारगिल का, कारगिल क्या था, स्मृति दिवस, कारगिल का युद्ध हुआ था, युद्ध कौन करता है, जवान व्यक्ति करता है युद्ध, तो 26 साल का आदमी युद्ध में सब कुछ जला दिया, 26 साल के आदमी ने
सब कुछ जला दिया। तो इस कारण 26 जुलाई को हम कारगिल समृद्धि दिवस मान लेते हैं। याद रखने के लिए हमारे ट्रिक है, इसके लिए कारगिल समृद्धि दिवस 26 जुलाई को है। 26 साल का आदमी था, उसने युद्ध में सब कुछ जला दिया, तो इस जलाने से हो गया 26 साल का आदमी 26 हो गया इससे, तो कारगिल समृद्धि दिवस होगा 26 जुलाई को। उसके बाद आता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमें सबको पता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उसके बाद से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। तो आजकल भारतीय क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में दोनों ओर से परास्त किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से अगस्त हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर मतलब खेल, तो खेल में क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया को दोनों ओर से परास्त किया हुआ है। दोनों खेल किया हो जाएगा, दोनों दोनों से हो जाएगा 29, और ऑस्ट्रेलिया से अगस्त हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेटरों ने आजकल ऑस्ट्रेलिया को दोनों ओर से परास्त किया हुआ है भारतीय क्रिकेटरों ने। तो भारतीय क्रिकेटरों का कारण हो जाएगा खेल, और दोनों ओर से परास्त किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। किसको परास्त किया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया हुआ है। दोनों से हो जाएगा अगस्त, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हो जाएगा 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, दोनों ओर से ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया हुआ है, दोनों ओर से, दोनों अगस्त 29 अगस्त। उसके बाद आता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो हम देखते हैं शिक्षक दिवस क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से टॉप क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट टॉप है, जो टॉप है वो उन्होंने आसमान को छू लिया है। आसमान मतलब अंबर, अंबर से सितंबर। 5 स्टूडेंट ने, कितने ने? 5 ने। तो शिक्षक ने 5 स्टूडेंट को आसमान की में को आसमान में पहुंचा दिया, मतलब उनको बहुत ही अच्छा बना दिया। तो आसमान से अंबर हो गया, 5 स्टूडेंट ने छुआ है 5, तो 5 सितंबर, अंबर में 5 स्टूडेंट अंबर को छू लिया है, 5 सितंबर हो जाएगा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। उसके बाद आता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 हफ्तों में हम इसको याद नहीं कर सकते, 14 दिन में हम इसको याद नहीं कर सकते। तो इसका हो जाएगा 14 सितंबर, ये हमको वैसे याद रखना पड़ेगा हिंदी दिवस 14 सितंबर। इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है इसकी, मैं सॉरी, इसको ऐसे मान सकते हैं 2 हफ्तों में इसे हम याद नहीं रख सकते, बहुत बड़ी लैंग्वेज है, तो 2 हफ्ते में हम याद नहीं हो सकती, मतलब 14 दिन में याद नहीं हो सकती, इसलिए इसको मान लेंगे हिंदी दिवस 14 सितंबर को। उसके बाद आता है विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को, देख अगर एक या दो बंदे होंगे, एक या दो आदमी होंगे तो वो शांति रखेंगे, दो या एक आदमी होंगे वो शांति रखेंगे, और अगर इससे ज्यादा होंगे तो वो आसमान में वो करने लग जाते हैं, मतलब आसमान को छूने लग जाते हैं, वो शांति नहीं रखते, शोर मचाने लग जाते हैं। तो इसलिए हो जाएगा दो एक आदमी होंगे वो शांति रखेंगे, तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, दो एक आदमी होंगे वो शांति रखेंगे, और जिससे ज्यादा होंगे वो आसमान में पहुंचने हो जाते हैं, शोर मचा के आसमान से, हमने जैसे पहले माने अंबर, अंबर से सितंबर, तो इसी कारण विश्व शांति दिवस हो जाएगा 21 सितंबर को। उसके बाद में आता है लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। हम सबको पता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को, और उसी के दिन 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी की जयंती सबको याद है, और महात्मा गांधी की जैसे ही महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो इसका लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। हम इसको महात्मा गांधी जी की जयंती से याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी की जयंती सबको याद है 2 अक्टूबर को, उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती हो जाएगी 2 अक्टूबर को। उसके बाद में आता है प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। तो देखिए 3 सफेद कबूतरों को उड़ते देखने पर प्रकृति का अलग ही नजारा दिख रहा था। 3 सफेद कबूतर मतलब 3 सफेद कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर से हो जाएगा अक्टूबर, कबूतर अक्टूबर, तो कबूतर से हो जाएगा अक्टूबर, 3 सफेद उड़ रहे हैं, मतलब 3 कबूतरों का नजारा अलग ही है, 3 सफेद कबूतर उड़ रहे हैं उनका नजारा अलग ही है, इसके लिए हो जाएगा 3 अक्टूबर, कबूतर से अक्टूबर, तो हो जाएगा 3 सफेद कबूतरों को उड़ते देखने से प्रकृति का नजारा अलग ही दिख रहा है, इसे हो जाएगा 3 सफेद कबूतर अक्टूबर, कबूतर से अक्टूबर, 3 अक्टूबर, प्रकृति दिवस हो जाएगा 3 अक्टूबर। प्रकृति दिवस का मतलब प्रकृति का नजारा कबूतर को देखने से अलग ही दिख रहा है, इसी कारण हो जाएगा 3 अक्टूबर कबूतर, अक्टूबर से और 3 से 3, 3 अक्टूबर को प्रकृति दिवस।
उसके बाद में आता है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस, वायुसेना मतलब एयरफोर्स। तो कबूतर अपना पूरा फोर्स लगाकर एयर में उड़ गया, एयर मतलब हवा में उड़ गया, वायु में उड़ गया। वायुसेना दिवस, कबूतर अपना पूरा फोर्स लगाकर, एयर फोर्स, फोर्स हो जाएगा एयरफोर्स, एयरफोर्स मतलब वायुसेना, और कबूतर से हो जाएगा अक्टूबर, पूरा फोर्स लगाकर हवा में उड़ गया। और कबूतर कितने माने हैं हम, 8 कबूतर थे, 8 कबूतर का झुंड था जो पूरा फोर्स लगाकर हवा में उड़ गया। हवा मतलब एयर, पूरा फोर्स लगाकर, फोर्स मतलब एयर, फोर्स हो जाएगा एयर फोर्स। 8 अक्टूबर, 8 कबूतरों का झुंड पूरा फोर्स लगाकर हवा में उड़ गया, एयर में उड़ गया, तो मतलब हो जाएगा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। कबूतर से अक्टूबर, फोर्स लगाकर एयर में उड़ गया, मतलब एयर फोर्स, वायुसेना दिवस। उसके बाद बताते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। तो कबूतर है, तो कबूतर क्या खाते हैं, 16 प्रकार के, मतलब कोई गेहूं बाजरी जो भी प्रकार, 16 पदार्थ मान लेते हैं, वैसे भी 16 पदार्थ माने जाते हैं, 16 पदार्थ कबूतर खाते हैं खाद्य दिवस। तो कबूतर से अक्टूबर मान रहे हैं हम, तो कबूतर 16 प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो 16 पदार्थ, 16 पदार्थ खाते हैं, तो इस हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। कौन खाता है, कबूतर खाते हैं, इसलिए हो जाएगा अक्टूबर, कबूतर को हम अक्टूबर मान रहे हैं, इसी कारण हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। उसके बाद में आता है इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इससे हम देखते हैं, इंदिरा गांधी जब तक कांग्रेस में थी तब तब कांग्रेस की फुल स्कोप था, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस ही पार्टी थी भारत में। लेकिन जैसे जैसे वो उन्होंने तीन तीन प्लान राज किया, लेकिन उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की नींव इतनी अच्छी नहीं रही जितनी इंदिरा गांधी जी के समय में थी। और उसके जैसे ही इंदिरा गांधी गई, कांग्रेस की नींव अटती गई। मोदी जी के आने पर एक प्लान में ही उन्होंने कांग्रेस की सफाया कर दिया भारत से, कांग्रेस की बिल्कुल सीट नहीं आई। इस कारण इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि हो जाएगी। इंदिरा गांधी जी ने राज किया 3 बार, तो 3 और 1 बार में आते ही मोदी जी ने 3-1 कबूतर से उड़ा दिए कांग्रेस के, तो कबूतर उड़ा दिए कांग्रेस के। तो कबूतर से अक्टूबर, 3 साल 3 प्लान राज किया इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद एक प्लान में मोदी जी ने कांग्रेस के कबूतर उड़ा दिए, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर, 3-1, 3 साल राज किया और उसके बाद 3 प्लान राज किया, उसके बाद एक प्लान में मोदी जी ने कांग्रेस के कबूतर से उड़ा दिए, इसके कारण हो जाएगा 3-1 से हो जाएगा 31 और कबूतर से उड़ा दिए अक्टूबर, गांधी जी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। इससे है मतलब इंदिरा गांधी जी ने 3 प्लान राज किया तब तक कांग्रेस की नींव अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने एक प्लान में ही कांग्रेस के कबूतर से उड़ा दिए। बाल दिवस 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, इसके कारण बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों को अच्छे नंबर आने पर, नंबर से नवंबर मान लेते हैं, अच्छे नंबर आने पर 1 रुपए की जो 4 टोपी आती थी वो लाकर देते थे। जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों के अच्छे नंबर आने पर उनको जो 1 रुपए की 4 टोपी आती थी ना वो लाकर देते थे, तो इससे हो जाएगा 1 रुपए की 4 मतलब 14, और नंबर आने पर, अच्छे नंबर आने पर, अच्छे मार्क्स आने पर, तो नंबर मान लेते हैं नंबर से हो जाएगा नवंबर, तो 1 रुपए की 4 टोपी ला कर देते थे। कौन ला देते थे, जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो हो जाएगा बाल दिवस 14 नवंबर को। और बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहते थे, चाचा जी कहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही प्रेम था, इसलिए वो अच्छे नंबर आने पर उनको टॉफी ला कर देते थे। कौन सी टॉफी लाकर देते थे, जो 1 रुपए की 4 आती थी, 1-4 नवंबर, अच्छे नंबर आने पर। उसके बाद आता है विश्व मधुमेह दिवस, वो भी इसी दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो मधुमेह जैसे शुगर, तो ज्यादा टॉफी खाने से बच्चों को मधुमेह हो गया, ये हुआ नहीं है, इसलिए ट्रिक मान रहे हैं, ज्यादा टॉफी खाने से बच्चों को मधुमेह हो गया। चाचा नेहरू जी अच्छे नंबर आने पर 1 रुपए की 4 टॉफी लाकर देते थे, और बच्चों को अच्छे नंबर ज्यादा आते थे, ज्यादा टॉफी खाने से चाचा नेहरू ने देने के कारण उनको, बच्चों को मधुमेह हो गया। तो विश्व मधुमेह दिवस हो जाएगा 14 नवंबर को। ये सिर्फ हम एक मान रहे हैं, हमें क्वेश्चन याद रखने के लिए, किसी को मधुमेह नहीं हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उसके बाद में आता है विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। तो हम टीवी में क्या होता है, टीवी में
दो एक नंबर पे चैनल होते हैं ना, वो अच्छी तरह देखते हैं, मतलब जो अच्छी चीज होती है वो दो एक नंबर पे रखते हैं। अगर हमें एडजस्ट करने पड़ जाए चैनल, तो हमारे फेवरेट चैनल दो या एक नंबर पे ही एडजस्ट करेंगे, तो उसके कारण हो जाएगा विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, दो एक नंबर पे एडजस्ट करेंगे, दो एक नंबर, नंबर से नवंबर, दो एक मतलब 21, तो विश्व टेलीविजन दिवस है 21 नवंबर को हो जाएगा। ये एक आसान से याद रखने के लिए ट्रिक है। इसी के साथ आप अपने चैनल ट्रिकी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी बटन दबा दें। उसके बाद आता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। हम सबको पता है एड्स किसी एक व्यक्ति को हो जाती है तो वो फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको, जैसे ही वो किसी के संपर्क में आता है एड्स फैल जाती है। तो इससे क्या मान लेते हैं हम, एक आदमी को एड्स होने के कारण सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को होने के कारण सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो दिशाओं को मान लेते हैं दिसंबर, एक आदमी को होने से सभी में फैल, एक व्यक्ति को होने से सभी में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो ऐसे मान ट्रिक मान रहे हैं इसके लिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो एक आदमी के होने से सभी दिशाओं में, दिशा मान रहे हैं हम, तो दिशा दिसंबर और एक व्यक्ति को होने से, तो इस कारण विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हो जाएगा। उसके बाद आता है नेवी मतलब नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। तुम देख नेवी है वो चारों दिशाओं में फैली है, नेवी जो सेना हमारी जो नौसेना वो चारों दिशाओं में फैला है। तो नौसेना है वो चारों दिशाओं में फैली है, तो इस कारण इसको मान ले 4 दिशाओं में फैली, 4 दिशा को माने दिसंबर, 4 दिसंबर इसको आसान है बिल्कुल ही। नौसेना दिवस दिवस 4 दिसंबर को, नौसेना जो सभी दिशाओं में फैली है, तो इसकी हो जाएगा दिशा कितनी हमारी 4 है, 4 और दिशा मतलब दिसंबर, दिसंबर को दिशा मान रहे हैं हम, तो हो जाएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नेवी में 4 वर्ड है NAVY, तो 4 वर्ड होने के कारण है ये 4 हो जाएगा और दिशा में फैली को 4 दिसंबर, कैसे भी जैसे भी याद रखना सही रख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल आसान है ये। उसके बाद आता है झंडा दिवस। झंडा दिवस होता है 7 दिसंबर को। तो झंडा जैसे ही फैलाते हैं सभी दिशाओं में सातों रंग फैल जाते हैं, झंडा जैसे फहराया जाता है सभी दिशाओं में 7 रंग फैल जाते हैं, मतलब एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो इसी कारण हो जाएगा झंडा दिवस 7 दिसंबर को, ये भी बिल्कुल ईजी है। तो जैसे ही झंडा फहराते हैं सभी दिशाओं में खुशी का माहौल हो जाता है, तो सातों रंग फैल जाते हैं, खुशी के टाइम में रंग फैलाते हैं हम, पता ही है। तो इसी कारण झंडा दिवस हो जाएगा 7 दिसंबर को। उसके बाद आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। तो जैसे ही आज के टाइम है, आज के टाइम में हर दिशा में दो चार तो लूटने वाले मिल ही जाते हैं। और उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, उपभोक्ता में जागृति प्रदान करने के लिए। तो इसी कारण हर दिशा में दो चार लूटने वाले मिल जाते हैं। दो चार से हम क्या मान लेंगे, दो चार से मान लेंगे हम 24, हर दिशा में दिशा को मान लेंगे हम, दिशा को दिसंबर मान रहे हैं हम, और लूटने वाले इससे मान लो उपभोक्ता को जागृत करने के लिए बनाया गया था। इसी कारण इसकी ट्रिक हो जाएगी, हर दिशा में उपभोक्ता को लूटने वाले दो चार तो मिल ही जाते हैं। तो दो चार से हम 24 हो जाएगा, हर दिशा में 24 दिसंबर हो जाएगा दिशा से, तो इस कारण राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो जाएगा 24 दिसंबर को। इसी के साथ दिवस लगभग पूरे हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी दिवस अच्छे से हमारी ट्रिक से याद हो गए होंगे। तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी बटन दबा दें, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम इस चैनल पर बहुत ही ऐसी ट्रिकी वीडियो अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको भी फायदा होता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो के संबंध कुछ कहना हो, आप अपनी राय देनी हो या कोई गलती हो हमें बतानी हो, तो वो कृपया हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। इस वीडियो में अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एंड थैंक यू।